गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस देखेंगे। एक्टिव के कुछ सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इससे पिछली क्लास में अपन ने ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और इसमें अपन ने कुछ रूल्स देखे थे कि एक्टिव वॉइस जो होता है एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रभावी माना जाता है, सारा फोकस सब्जेक्ट पे ही होता है। जबकि पैसिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को प्रभावी माना जाता है, सारा फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बनाते समय हम कुछ चीज़ों का ध्यान में रखते हैं, वो ये हैं कि टेंस अनुसार तो एक तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं उसमें, और मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इनमें पैसिव में, और बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के लिए जनरली क्या होता है फॉर्मेट, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब यदि हो तो फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव सेंटेंस जितने भी अपन ने टेंस किए थे, टेंस के 12 टाइप्स देखे थे अपन ने, उनमें जो भी सेंटेंस अपन ने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करे थे वो सारे एक्टिव सेंटेंस हैं, जिनका फॉर्मेट यही था, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे उनको तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके अनुसार फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट अपन इसमें राइट कर देते हैं। तो ये कुछ रूल्स के तहत अपन इसको परिवर्तन करते हैं। कुछ सब्जेक्ट जैसे होते हैं उनको जब ऑब्जेक्ट में राइट करते हैं बाय लगाकर, तो आई मी में बदल जाता है, वी एस में बदल जाता है, यू यू का यू ही रहता है, ही हिम में बदल जाता है, शी हर में बदल जाता है, दे देम में बदल जाता है। तो ये कुछ रूल्स हैं। यदि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में तो मेन ऑब्जेक्ट उसी को मानते हैं हम जब मेन वर्ब के पास में होता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपने देख चुके थे और इनको अभी भी ध्यान में रखना है। तो आप एक आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो प्रजेंट सिंपल टेंस या प्रजेंट इंडेफिनाइट टेंस के कुछ अपन सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे। जो पहचान होती है जब एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदल देते हैं अपन, तो पैसिव का हिंदी करते हैं तो अंतिम शब्द जाती है, जाते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ये कैसे आते हैं, कोई अपन एक्टिव को पैसिव में बदल कर जब ट्रांसलेट करेंगे, जब आपको जो अंतिम शब्द जाता है, जाती है, जाते हैं, यही शब्द आएंगे। एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं उसके हिंदी अर्थ के अंत में ये शब्द शब्द होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, साधारण वाक्य जिनको सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस के लिए अपन ने फॉर्मेट देखा था, सब्जेक्ट आता है पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो था सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जब प्लूरल था जब अपन एस आई एस नहीं लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ही यूज कर रहे थे एक्टिव सेंटेंस। जब टेंस कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस, तब अपन ने देखा था उसका सिंपल सेंटेंसेज में, इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेज में। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था, स्टार्ट ऑब्जेक्ट से करेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आर एम यूज करते हैं, किसमें, सिंपल में, जो कंटिन्यूअस में कर रहे थे अपन इज आर एम, वो अब उसकी हेल्पिंग वर्ब अपन सिंपल टेंस में यूज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज आर एम, इज सिंगुलर नाउन के साथ, आर प्लूरल नाउन के साथ, और एम आई के साथ। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी हमेशा, बाय लगाकर फिर सब्जेक्ट अपन राइट कर देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लें, एक्टिव सेंटेंस जैसे है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, माई मदर लव्स मी, जो मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती हैं। ठीक है, ये क्या हो गया एक्टिव सेंटेंस। इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है मी, मी को क्या बना देंगे, आई, क्योंकि अपन ने देखा था आई मी में बदल जाता है, तो मी को क्या बदल देंगे, आई। आई के साथ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, और आई के साथ हमेशा एम आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लव, प्यार को लव कहते हैं, और लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, तो लव्ड आ गया। फिर बाय लगा दिया, फिर सब्जेक्ट जो था माई मदर, इसको ऑब्जेक्ट की जगह राइट कर दिया। तो माई मदर्स लव्स मी का पैसिव क्या हो जाएगा, आई एम लव्ड बाय माई मदर। एक्टिव की हिंदी करें, मेरी माताजी मुझसे प्यार करती हैं। वहीं
आई एम लव्ड बाय मदर, मेरे को मेरी माता जी के द्वारा प्यार किया जाता है। वही आगे अंतिम शब्द जाता है, जाती है, जाते हैं। तो पैसिव का हिंदी करते हैं तो अंतिम शब्द ये होते हैं। क्लियर है? ऐसे एक और एग्जांपल लें, एक्टिव सेंटेंस, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। इसको पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो ए लेटर स्टार्टिंग में राइट कर दिया, ए लेटर सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। फिर क्रिया क्या हो रही है, राइट करना, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट रोट रिटर्न, तो रिटर्न हो गया। फिर बाय लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही को हिम में बदल दिया, ठीक है, क्योंकि अपन ने देखा था ही हिम में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे एक और एग्जांपल लें, नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस, जैसे रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, रजनी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है, सेलिब्रेट करती है, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करें, हर बर्थडे, ऑब्जेक्ट क्या था, हर बर्थडे, उसको सब्जेक्ट बना दिया। अब हर इसमें कन्वर्ट नहीं होगा शी में, ठीक है, ये हर एज ही रहेगा, हर बर्थडे, फिर ये सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेलिब्रेट की सेलिब्रेटेड बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह राइट कर दिया, रजनी, तो हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय रजनी, उसका बर्थडे मनाया गया रजनी के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, सीता कुक्स फूड, अब सीता को एस आई टी ए भी राइट कर सकते हैं या एस डब्ल्यू टी ए भी, सीता कुक्स फूड, सीता खाना पकाती है। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा एक्टिव सेंटेंस का, सीता खाना पकाती है। इसको पैसिव में बदलेंगे तो फूड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह दिया, फूड सिंगुलर है तो इज, क्रिया की थर्ड फॉर्म, कुक के साथ ईडी जोड़ देंगे कुक्ड, फिर बाय आ जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह राइट कर देते हैं सीता, फूड इज कुक्ड बाय सीता, खाना सीता के द्वारा पकाया गया। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे, और आपके पास यदि कुछ साधारण वाक्य हैं, सिंपल सेंटेंस हैं, अपने जो टेंस करे थे वो सारे सेंटेंस एक्टिव ही हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स को आप क्या करेंगे पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और आप एक आसान तरीके से उनको पैसिव में बदल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।